यहाँ लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गई। ओहो, वो क्या पागल है। तो जा तो सकते हैं, जाए कहाँ। कैमरा चालू है, कैमरा चालू है क्या। पत्थरबारी हो रही है। क्या हो रही है, पत्थरबारी हो रही है। और अजीब सी आवाज आ रही है, ठक ठक ठक, जैसे लग रही है चेन किसी चीज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। तो जी, आज मैं लुधियाना से वापस कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे काम जो है कम्प्लीट हो चुका है, उसका एक वीडियो ऑलरेडी आपने देखा होगा, दूसरा वीडियो जो है वो उसका आप नेक्स्ट फ्राइडे देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें टाइम लगता है एडिट करने में। फिलहाल यहाँ से आज निकल जाते हैं। ये जगह है जहाँ पे मैं रुका था, ये यहाँ पे इनका कुछ गेस्ट हाउस वगैरह है, तो यात्री निवास जैसा कुछ वैसा है। बाइक मैंने यहीं पर रख दी थी पार्क में, और ये मेरा रूम था, सिंपल सा रूम था बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। ये ऐसा कुछ रूम था, तो मैं जैकेट वगैरह पहन लेता हूँ और निकल जाते हैं। ब्रेकफास्ट मैं रास्ते में ही कर लूँगा, अभी जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट रास्ते में कर लूँगी। अगर ब्रेकफास्ट करने बैठ गया तो और लेट हो जाएगा। अभी 8:30 हो चुके हैं आज, मुझे अगर कोशिश करूँगा आज कश्मीर जाने की, वैसे आज रास्ता बंद है, देखते हैं क्या होता है, या तो जम्मू में रुक जाऊँगा फिर, या फिर कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे। मैप मैंने जम्मू तक का लगा दिया है, अभी है जी 6 आवर्स ईरान मैट से, मैं लगेंगे 300 किलोमीटर करने में। यह है जी वो मार्केट, अहमदगढ़ का मार्केट जहाँ मैं रुका था। यह मेन अहमदगढ़ है लुधियाना का। ब्रेकफास्ट मैंने अभी नहीं किया, ब्रेकफास्ट आगे मैं कर लूँगा रास्ते में किसी जगह पे। फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं, थोड़ा सफ़र शुरू हो जाए, उसके बाद देखते हैं खाने पीने का। चलो जी, आ गया मैं बाहर लुधियाना मेन सिटी से, और अब मैं चढ़ूँगा हाईवे पे, और ये हाईवे मुझे सीधा पहुंचाएगा जी कश्मीर, ना कहीं दाएं ना कहीं बाएं। भाई इमेजिन करो, पठानकोट यहाँ से रह गए बस 50 किलोमीटर्स, और मैं लुधियाना से निकला हूँ सुबह, और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। भाई अगर मैं ऐसे ही चलता रहा ना, मुझे लगता है लंच में करूँगा लाहौर में। जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मेरे आगे हार्ली डेविडसन वाला चल रहा है, बेचारा थक गया है। ये कभी ये बाजू छोड़ रहा है, कभी ये बाजू छोड़ रहा है, कभी पैर आगे कभी पैर पीछे। मुझे लगता है पठानकोट में रुकते हैं। यार रुक जाएंगे, भूख वो खत्म हो गई है मेरी सब। ये मिल गए शायद। दादा क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, छोले कुलचे, छोले कुलचे। अच्छा बंद वाले, वो वाले नहीं है कुलचे। ये लो जी, मैं पठानकोट भी पहुंच गया। आप इमेजिन करो, मैं लुधियाना से निकला और डायरेक्ट विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक मैंने नहीं ली, और मैं डायरेक्टली पठानकोट। अभी टाइम आया है 12, मैं 8:30 पे निकला था, ये 9 बजे के करीब मैं निकला था, और अभी 12 बज रहे हैं और मैं पठानकोट भी पहुंच गया। भाई अभी 100 समथिंग बचे और मैं जम्मू पहुंच जाऊंगा। और मेरी बाइक की चेन जो है ना, वो बड़ी आवाज़ कर रही है, टक 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 ऐसा कुछ कर रही है। अगर कोई मिस्त्री मिल जाता ना, मैं या तो टाइट करवानी है, ये है यहाँ पे है, लेकिन अब ये नहीं पता इसको आएगा अभी कि नहीं, आगे देखते हैं। इधर पे ही रुक जाता हूँ मैं, हाँ ये ठीक है, इधर पे बेटर है। रॉयल एनफील्ड का ये मिल गया सर्विस सेंटर, यहाँ पे देखते हैं। भैया बाइक की चेन ना आवाज कर रही है ऐसे ठक 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 चलते हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ज्यादा कर रही है। ये उठाऊं, अजीब सी आवाज आ रही है, ठक ठक ठक, जैसे लग रही है चेन किसी चीज के साथ। शायद चेन का लॉक खराब हो गया,
लॉक चेंज करके देखते हैं। एक तो इसका स्विच खराब हो गया है, देखें अब जैसे हम फर्स्ट में लेते हैं स्टार्ट ही नहीं होती, तो उसके बाद न्यूट्रल करना पड़ता है तब जाके स्टार्ट होती है। हाँ चेन का तो मसला ठीक हो गया, बस अब ये प्रॉब्लम है कि आगे जाने देने चाहिए कश्मीर की तरफ, अगर जाने दिया तो मैं आज ही निकल जाऊँगा। समझ गया जी, मैं जम्मू कुंजवानी, अभी टाइम देखते हैं टाइम क्या है। टाइम आया जी 3:30, तो अब कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की। 3:30 मे बी हमें छोड़ें, अगर हमें छोड़ दिया तो हम 12-1 बजे तक जो है घर पहुँच जाएंगे आराम से, अगर नहीं छोड़ा तो फिर हम वापस आज जम्मू में रुकेंगे, फिर कल देखते हैं। बस होप करते हैं कि आज ही छोड़ दें। फिलहाल दो जगहों से मुझे छोड़ दिया है, एक तो नगरोटा में भी छोड़ दिया और पीछे एक सिद्रास के बाद जो चेक पॉइंट आता है तो वहाँ से भी छोड़ दिया। अभी मैं पहली टनल जो है वो पार करूँगा। मैं रुका हूँ समरोली में, मैं पहले इसको सरमोली बोलता था, समरोली में, और यहाँ पे नून चाय ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर ली है और मैं रुका हूँ कोहिनूर स्वीट्स पे। ये भाई सब्सक्राइबर हैं तो यहीं पे रुका हूँ कोहिनूर स्वीट्स। हाँ तो ये हाईवे जो है, हाईवे के पास में ही है कोहिनूर स्वीट्स, तो यहाँ पे रुका हूँ और चाय भी पी ली है और अभी लगभग मैं एक बजे के करीब जो है आराम से घर पहुँच जाऊँगा। 1 बजे के करीब मैं आराम से पहुँच जाऊँगा घर, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता भी चलूँगा। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है और अंधेरा भी होने वाला है, तो आराम आराम से ही चलना है। तो चाय ख़त्म करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। यार नून चाय पी के दिमाग ठिकाने पे आ गया, कश्मीरी और नून चाय ये दो अलग हो ही नहीं सकते कभी। ऐसा लग रहा था मैंने जन्मों जन्मों से नून चाय नहीं पी है तो कम्प्लीट। और भाई ने पैसे भी नहीं लिए, भाई सब्सक्राइबर थे, मैंने बहुत फोर्स किया था, माना ही नहीं। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। तो भाई सब्सक्राइबर थे, भाई ने चाय के पैसे भी नहीं लिए और मिठाई भी दी, बहुत बहुत शुक्रिया कोहिनूर स्वीट्स। यहाँ लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गई, ओहो वो क्या पागल है। पूरा पहाड़ी नहीं है यार, काफी जा तो सकते, जाए कहाँ। कैमरा चालू है, क्या हो रही है पत्थरबाजी हो रही है, कर कौन रहा है, लैंडस्लाइड अपने आप हो रहा है। बिस्मिल्लाह, निकल गया मैं भाई, भाई मैं निकल गया, भाई मैं निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं निकल गया। मैं नहीं निकलता लेकिन पुलिस वहां पे, ट्रैफिक पुलिस थी, उन्होंने इशारा दिखाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तभी निकल पाया भाई। मेरी धड़कने भाई, ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था ऐसा, लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस एक्सपीरियंस है भाई।